और वही हुआ जिसका डर था, भारतीय टीम WTC चैंपियनशिप के फाइनल में हार गई। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में भारत को एक तरफा अंदाज में हराया, एक तरह से कहें तो 209 रन से बड़ी जीत यानी एक तरह से धो दिया। भारत की इस हार के बाद निश्चित रूप से क्रिकेट प्रेमियों में गुस्सा है और बहुत सारे लोग इसके कई कारण बता रहे हैं। कुछ लोग इसे IPL से जोड़ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय सितारा खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में फेल हो जाते हैं, वो छोटे छोटे मैचों में या टेस्ट मैचेस में सेंचुरी बनाते हैं लेकिन जब कोई खिताबी मुकाबला हो वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे कारण हैं, इन पर हम बात करेंगे। और एक कारण इन सब के दौरान इस पूरे 5-6 दिनों में जिस पर सबसे ज़्यादा बात हुई है वह है रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ, रविचंद्रन अश्विन की बात एक बार फिर से आई। आज सचिन तेंदुलकर से लेकर के वीरेंद्र सहवाग तक ने फिर से जब भारत WTC फाइनल हारा उसके बाद यह सवाल उठाया कि क्यों रविचंद्रन अश्विन को भारतीय प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया, यह बात समझ से परे। वीरेंद्र सहवाग ने तो यह तक कह दिया कि भारत WTC फाइनल शुरू होने से पहले से ही एक तरह से मानसिक रूप से हार चुका था। जब उसने प्लेइंग 11 चुनी तो अपने बेस्ट प्लेयर कह सकते हैं जो टेस्ट मैचों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है पिछले 3-4 सालों में वो रविचंद्रन अश्विन का है। जब अपने बेस्ट प्लेयर को के लिए प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पाई तो निश्चित रूप से ये कहीं थिंक टैंक में ही प्रॉब्लम थी या कैप्टन में, कोच में, इसके लिए सभी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं जिन पर मैं अभी बात करने वाला हूँ। जब हम इन कारणों पर जाएंगे कि भारत WTC फाइनल क्यों हारा तो इसके पहले सबसे पहली बात आती है प्रिपरेशन। क्या भारतीय टीम पूरी तैयारी के साथ इंग्लैंड पहुंची थी? कोच राहुल द्रविड़ से लेकर के कप्तान रोहित शर्मा सब ने किसी ने इशारे में किसी ने सीधे शेड्यूल पर सवाल उठाए। राहुल द्रविड़ ने कभी भी ब्लेम नहीं किया BCCI को, IPL को या ICC को, लेकिन उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियाँ हैं उस हिसाब से हम उतनी तैयारी नहीं कर पाए जितनी ज़रूरत थी। वो एक इशारा था, वो कहना चाह रहे थे कि IPL और WTC फाइनल के बीच में काफ़ी कम गैप था। तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने कहा कि क्या IPL के पहले ये टूर्नामेंट आयोजित नहीं हो सकता। जाहिर है उनका भी ये कहना था कि WTC फाइनल और IPL के बीच जो थोड़ा सा ही गैप था उसमें भारतीय टीम के लिए वो वक्त नहीं मिला जिसके लिए तैयारी कर सके। तैयारी की बात आती है टीम की, तो मुझे नहीं लगता टीम सेलेक्शन में कोई कमी थी क्योंकि भारत के जितने भी प्लेयर चुने गए थे वो डिजर्विंग प्लेयर थे। लेकिन प्लेइंग 11 में तो गलती हुई, ये बार बार कहा सभी खिलाड़ियों ने कहा, खासकर रविचंद्रन अश्विन को बाहर रखना भारतीय टीम की गलती मानी गई। और यह तब भी साबित हुआ जब नाथन लॉयन ने 4 विकेट झटक लिए भारत की दूसरी पारी में। यह साबित हुआ कि ऑफ स्पिनर कितना इफेक्टिव परफॉर्मेंस कर सकता था। एक और बात है जो इस हार के बाद करनी जरूरी है और वह है प्रेशर में खेलना। भारतीय टीम पिछले 10 साल में 9 ICC के इवेंट्स हुए हैं, उनमें से 4 में फाइनल पहुंची है। अगर हम बाकी 5 की परफॉर्मेंस छोड़ भी दें जिनमें 4 में सेमीफाइनल और 1 में दूसरे राउंड में भारतीय टीम बाहर हो गई थी, हम सिर्फ फाइनल की बात करें तो 4 फाइनल में 1 फाइनल भी न जीत पाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारतीय टीम प्रेशर में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही है। और इसीलिए शायद क्रिकेट प्रेमी, भारतीय क्रिकेट फैंस MS धोनी को याद कर रहे हैं फिलहाल, जो लगातार प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं। एक और कारण जिस पर कम बात होती है और वह है भारतीय बल्लेबाजों का फेल हो जाना। अगर आप सिर्फ WTC फाइनल देखें 2021 में खेले गए इसके पहले संस्करण में और दूसरे संस्करण में, जबकि अब ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया है, इन दो फाइनल्स की 4 पारियों में भारतीय टीम एक बार भी 300 का स्कोर नहीं बना पाई। जबकि भारतीय टीम की पहचान ही यही रही है बेहतरीन बल्लेबाजी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जिनके पास हों, और शुभमन गिल के रूप में इस बार जो हमारे पास ओपनर था वो पिछले एक साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला खिलाड़ी है दुनिया में। और अब अगर ये 5 बल्लेबाज जिस टीम में हैं, रविंद्र जडेजा को नहीं भूलना चाहिए क्योंकि एज ए ऑलराउंडर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इन खिलाड़ियों के रहते हुए भी भारतीय टीम 300 का स्कोर नहीं बना पा रही है तो निश्चित रूप से भारत को इसकी जड़ तक जाना होगा और यह तलाश करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आपका स्कोर नहीं है तो कितनी भी अच्छी बॉलिंग की जाए आप स्कोर डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हमें 1999 के वनडे वर्ल्ड कप याद करना चाहिए। उस वर्ल्ड कप में जिस टीम के पास सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप थी, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर और शकलेन मुश्ताक, यह बॉलिंग लाइनअप भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप नहीं जिता पाई थी क्योंकि बैट्समैनों ने स्कोर नहीं किया था। जब बैट्समैन 150 का स्कोर भी नहीं बनाएंगे फाइनल में तो कैसे डिफेंड करते बॉलर। दरअसल भारतीय टीम के साथ भी यही हो रहा है कि भारतीय बॉलर तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ज़्यादातर टूर्नामेंट में या ज़्यादातर मैचों में, भारतीय टीम बॉलर्स की वजह से जीत रही है। हालांकि स्टारडम कुछ ऐसा है कि बल्लेबाज ही स्टार माने जाते हैं।
दो और कारण है जिन पर बात हो सकती है। एक तो वर्कलोड, तो मुझे लगता है बहुत सारे खिलाड़ियों को इस बारे में खुद ही पता है और हमने देखा है कि रोहित शर्मा से लेकर के विराट कोहली तक बहुत सारे मैचों में खुद ही हट जाते हैं सीरीज में, उन्हें अपने इस वर्कलोड का पता होता है। IPL में ज़रूर हम देखते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी नहीं हटते हैं, खेलते हैं। तो अगर BCCI को यह देखना होगा कि अगर IPL के बाद कोई बड़ा इवेंट है तो इसमें खिलाड़ियों को ब्रेक दिया जाए। और एक कारण जिसके साथ इस वीडियो को मैं फिनिश करना चाहूँगा वह है कोच पर सवाल। भारतीय टीम के पास पिछले 6-7 सालों में एक नंबर के भारत के सबसे बड़े सुपर खिलाड़ी जो माने गए सुपरस्टार रहे वो कोच रहे हैं। पहले अनिल कुंबले थे, उसके बाद रवि शास्त्री आए और अब राहुल द्रविड़ आए, लेकिन इन सब के रहते हुए भी भारतीय टीम कोई ICC ट्रॉफी नहीं जीती। तो निश्चित रूप से कोच पर भी सवाल किया जाना चाहिए कि क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 चुनने में तो कोच की भूमिका होती ही है। टॉस जीत करके हमें बैटिंग करना है, बॉलिंग करना है, इस तरह की बातें तो कम से कम ड्रेसिंग रूम में ही तय होती है और वहाँ कोच की भूमिका होती ही है। तो हमें यह देखना होगा कि क्या कोच अपनी भूमिका को सही तरीके से निर्वहन कर पा रहे हैं। कहते हैं हार के हज़ार बहाने या गुनहगार, तो निश्चित रूप से हार पर जब बात होगी, जब हम हार के बाद किसी टीम का एनालिसिस कर रहे हैं तो बहुत सारे अनगिनत कहानियां और अनगिनत कारण मिल सकते हैं, लेकिन हमें मुख्य रूप से वो चुनिंदा चीज़ें देखनी होगी जिन्हें सुधार कर रख के हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है मैंने इस बारे में अभी आपसे बात की। News18 ओरिजिनल्स के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे विजय प्रभात को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।